नमस्कार दोस्तों, PCS गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, क्योंकि दो तीन दिन से मैं देख रहा हूँ कुछ मुझे कमेंट्स आ रहे हैं और वो लोग एक बात बोल रहे हैं कि सर, हमें फाइनेंशियली बहुत दिक्कत है, पैसे की बहुत समस्या रहती है, तो क्या बिना पैसे के या जिनके पास बहुत पैसे नहीं हैं, क्या वो लोग PCS की तैयारी कर सकते हैं, क्या PCS बन सकते हैं? दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि पैसे का रोल कितना है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के अंदर। पहली चीज ये बात समझ लीजिए कि जरूरी नहीं जिनके पास बहुत पैसे हैं वो लोग PCS बन जाते हैं या बन ही जाएंगे। उनको कि आप बहुत रिच हैं तो PCS का पेपर क्रैक कर ले जाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ बातें हमें, कुछ रियलिटी जानना भी जरूरी है। PCS का जो एग्जाम होता है, ये जो अगर आप देखेंगे कि प्री है, मेंस है और जिस तरह का चीजें हैं, अगर आप उस सिलेबस को अगर देखोगे तो आप देखोगे कि अगर आप कोचिंग नहीं भी ज्वाइन कर रहे हो, कोचिंग की फीस नहीं भी अफोर्ड कर पा रहे हो, तो भी आपको बुक्स तो पढ़नी पड़ेगी ना, किताबें लेनी पड़ेंगी। अब मान लीजिए कि आपके किसी मित्र ने आपको किताबें दे दी, ठीक है, बेसिक किताबें दे दी, तो कुछ तक हेल्प तक आपको हेल्प मिल जाएगी। लेकिन बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो, जैसे कि करंट अफेयर्स किताब हो गई, जो आपको लगातार लेनी पड़ती है, हर महीने खरीदनी पड़ेगी कुछ ना एक किताब, तो एटलीस्ट आप एक या दो किताबें तो लोगे ना करंट अफेयर्स की, ठीक है, तो कुछ पैसा आपको वहां पे लगेगा आपका। फिर जिस तरह से मेंस का पैटर्न है वो बहुत ज्यादा आपको पुश करता है कि कुछ चीजें खरीदने में। जैसे कि मेंस में अगर आप देखोगे सिलेबस, तो मेंस का सिलेबस 50% तो आपको स्टैटिक मिल जाता है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, बट बहुत सारा कंटेंट जो है उसके लिए भी आपको करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ता है, कुछ पेपर लेने पड़ेंगे, कुछ मैगजीन्स खरीदनी पड़ेंगी, इस तरह का भी आपको परचेस करना पड़ जाएगा आपका। अब अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, बिल्कुल पैसा नहीं है, तब मैं आपसे बोलूंगा कि देखिए, फिर आप प्लीज इस प्रिपरेशन को ना करो, अभी ना करो। आप थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर लो, थोड़ा सा फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो जाओ, जिससे कि आप बेसिक चीजें आप ले पाओ, बेसिक किताबें ले पाओ। अगर आप ये सोच के आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि मेरे पास कोई किताब नहीं, मुझे ना लेनी पड़े, और मैं YouTube के माध्यम से या फ्री में जो टेलीग्राम पे PDF दिए होते हैं उस माध्यम से मैं PCS बन जाऊंगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसा संभव नहीं है। प्रिपरेशन करना और सेलेक्ट हो जाना, प्रिपरेशन करना और एग्जाम को क्रैक कर देना, ये दोनों अपने आप में अलग चीजें हैं। 7 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 700 लोग भी एग्जाम में फाइनल सीटें नहीं होती हैं, 500-600 होती हैं, आपको टॉप 500 में आते हैं। और एक बात मैं आपको बहुत बता दूं, आपको क्लियर करके, आपकी आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत स्थिति कैसी भी हो, आप कितने भी कष्टों में क्यों ना आप परेशान हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जो एग्जाम है ये बहुत ही क्रूअल है, बहुत ही क्रूर है। ये नहीं देखता कि आपके पास पैसे हैं या नहीं है, ये पिक्चर नहीं है, ये रियल लाइफ है। पिक्चरों में और रियल लाइफ में यही फर्क होता है कि पिक्चर में हीरो जो होता है वो लाख मुसीबत के बाद भी सफल हो जाता है, लेकिन रियल लाइफ में हर बार ऐसा हो कि गरीब हीरो सफल ही हो जाए, ऐसा हर बार संभव नहीं है। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए कि ये पिक्चर नहीं है, जहां पे आप पिक्चर देखकर आप ये सोच रहे हो कि जिस तरह से स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, और जो लोग AC में पढ़ते हैं वो तो बेवकूफ होते हैं, गधे होते हैं, वो सिर्फ अपने अमीर बाप के बेटे होते हैं तो वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने देखा है अब बहुत सारे सुविधा संपन्न लोग जो जिनके पास पैसे हैं, जो अच्छी अच्छी कोचिंग्स, अच्छे अच्छे ट्यूशंस, अच्छी अच्छी किताबें, अच्छा माहौल, वो भी आराम से पढ़ के आराम से एग्जाम करा कर लेते। तो ये एग्जाम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आपकी स्थिति कैसी है। एग्जाम का मतलब है कि जिसने कॉपी में सही लिखा उसको PCS बनाना है। अब आपने स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ कर पढ़ाई की है, आपने फ्री के PDF डाउनलोड कर पढ़ाई की है, या आपने प्रॉपर कोचिंग ज्वाइन करके एक तरीके से पढ़ाई की है, इससे एग्जामिनेशन में कोई मतलब नहीं होता। जो सही लिखेगा वही बनेगा। तो अगर आपको बहुत ज्यादा आर्थिक समस्या है तो प्लीज फिर आप प्रिपरेशन मत करो, क्योंकि PCS की पढ़ाई में चाहे कुछ हो जाए 2 साल का समय तो लगता ही लगता है। 2 साल की मेहनत तो है ही, कम से 15 महीने का तो कोर्स है, 15 महीने 2 साल का तो कोर्स ही लगता है पढ़ने में, पूरा सिलेबस खत्म करने में, प्री मेन सब कुछ खत्म करने में। और अगर आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप एक 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए की मैगजीन खरीद सको,
तो भैया पहले अपनी हालात सही कर लो, कोई जबरदस्ती नहीं है, साल दो साल आप मेहनत कर लो, कुछ सेविंग्स कर लो और फिर आप कम से कम बेसिक किताबें खरीद पाओ, ठीक है। दूसरी बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट समझिए, देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर कुछ बचाने के लिए तो वो है टाइम। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर है। एक टाइम ही ऐसा है जो अब पूरी दुनिया की दौलत भी इकट्ठी करके अगर कर ली जाए तो भी एक सेकंड आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। पैसे सबसे आसान चीज़ है कमाना और गंवाना भी, लेकिन टाइम जो है वो सबसे मुश्किल है या इम्पॉसिबल है। आपको ये देखना है कि क्या पैसा आपका टाइम बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है, और ये मैं बहुत ही कैलकुलेशन वाली बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल नहीं सकती, आज इंटरनेट का जमाना है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप चाहें तो प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रिपरेशन के लिए आप वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस मैंने भी खुद बनाए हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उनके फ्री कोर्सेज कर सकते हैं, फ्री वीडियोस देख सकते हैं, बहुत कुछ अवेलेबल है, लिटरली बहुत कुछ अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है। लेकिन क्या वो आपको वो इस ये श्योरिटी देगा कि वो जो कंटेंट जा रहे हैं वो बिल्कुल सही क्वालिटी के हैं? क्योंकि अगर फ्री का क्वालिटी का है तो आप उस पर कम उंगली नहीं उठा सकते कि आपने जो पढ़ाया है वो सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो पहले आप ये देखिए कि फ्री के चक्कर में आपका जो टाइम है, तो ऐसा नहीं हो रहा कि आपने फ्री का मटेरियल पढ़ने के चक्कर में अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टाइम बर्बाद कर दिया। पता लगा 3 महीने पढ़ने के बाद आप पता लगा कि जो आप पढ़ रहे थे वो मतलब का ही नहीं है, और फ्री के नाम पर पढ़ते गए तो आप उंगली भी नहीं उठा सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि आपने गलत क्यों पढ़ाया, क्योंकि आप तो फ्री में पढ़ रहे थे, आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती उस व्यक्ति की आपके प्रति की। अगर उसने पैसे लिए होते तो आप कह सकते कि हाँ भाई आपने गलत पढ़ाया सही पढ़ाया, आपने PCS के लिए चार्ज किया था और आपने तो कुछ गलत पढ़ा दिया, 1-day exam वाला पढ़ा दिया, ये सब। तो आपको ये देखना है कि जो ये पैसा है आपका ऐसी जगह इन्वेस्ट हो जहां से आपका टाइम बच सके। अगर टाइम नहीं बच रहा है, टाइम भी नहीं बचा पा रहे हो, टाइम क्योंकि टाइम इस फैक्टर से इंपॉर्टेंट है तो दिक्कत है आपका। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि अगर पैसा और टाइम में किसी एक चीज़ को चुनने की बात आए तो आप हमेशा टाइम को चुनिए। पैसा कमा सकते हो, टाइम को नहीं कमा सकते हो। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, पहले PCS के लिए 40 साल की एज बोली है कमीशन ने जनरल कैटेगरी के लिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि 40 साल तक आप पूरी एनर्जी से एग्जाम दे ही दोगे। कि मान लो आपकी एज 20-25 साल की एज इस समय है और आपको लगे कि मैं 40 साल तक तो मैं बन ही जाऊँगा अगर धीरे धीरे करता रहूँगा, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि 4-5 साल कह लीजिए, बहुत 4-5 साल मैक्सिमम आप तैयारी कर सकते हो 4-5 साल। उसके बाद चाहे कितनी भी सुविधा मिल जाए आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और प्रिपरेशन छोड़ दोगे, भले ही आपके 10 अटेम्प्ट क्यों ना बाकी हो। तो जो भी करना है आपको 2-3 अटेम्प्ट में करना ही करना है। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि अगर आपको फाइनेंशियली बहुत दिक्कत है तो प्लीज़ पहले नौकरी कर लीजिए, पैसा जमा करिए और आप तैयारी, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपको कोई मुरव्वत नहीं देगा। आपको इस बात को बिल्कुल भूल जाओ कि आप गरीब हो तो आपको कंसेशन मिलेगा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता साहब, कुछ फर्क नहीं पड़ता। गरीबी आपकी, गरीबी आपके ऊपर है, नहीं अफोर्ड कर सकते आपकी समस्या है। ये मैं आपको बहुत दुखी मन से बोल रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर पहली बात कि अगर आप बहुत गरीब हैं, बहुत दिक्कत है, तो आप पहले कुछ सेविंग्स कर लो जिससे कि बाद में आप कुछ बेसिक चीजें, आप किताबें परचेस कर पाओ, ठीक है। और दूसरी बात है कि फ्री के चक्कर में आप ऐसे कोर्सेस मत कर लो या ऐसे लोगों को फॉलो ना करना शुरू कर दो जहां पर आपका टाइम बर्बाद हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिविल सर्विसेज जैसे बड़े एग्जाम के लिए ये टाइम फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जैसे मैं कई वीडियोस में मैंने कहा कि 2023 की अगर तैयारी कर रहे हैं आप, तो जैसे अभी चल रहा है जुलाई, तो एनी हाउ किसी भी तरह से 30 दिसंबर या बहुत से 30 जनवरी तक आपका मेंस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्री करेंगे, उसके बाद मॉक टेस्ट लगा लीजिए। अब लेकिन आपने क्या किया कि ऐसे घूमते फिरते आपने 2-4 महीने निकाल दिए, आप आ गए अप्रैल, आपका सितंबर अक्टूबर में आ गए। अब सितंबर अक्टूबर में अगर आप मुझसे भी बोलोगे कि कोर्स लेने के लिए, तो क्या मैं भी पढ़ा पाऊंगा मेंस आपको? नहीं पढ़ा पाऊंगा। फिर मैं आपको बोलूंगा ऐसा है कि 2023 के लिए जो मेंस का टाइम था वो तो निकल गया, आप एक काम करो आप चुपचाप प्री पढ़ लो आप, ठीक है। अब प्री पढ़ने से पढ़ भी लिया आपने और अगर क्रैक भी कर लोगे तो मेंस क्रैक नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि मेंस 2-3 महीने में नहीं बनता। कि आप 2-3 महीने में आपने विजन के नोट्स लिया है, दृष्टि के नोट्स लिया है, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो छोड़ दो। किसी ने नहीं कहा आपको तैयारी करो, किसी पे एहसान मत करो ना अपने आप पर टॉर्चर करो, क्योंकि ये प्रोसेस अपने आप में
उन्हीं लोगों के लिए है जो सिंसियर हैं, सीरियस हैं, और बहुत गरीबी में से लोग बनते हैं, लेकिन उनका इतना ज्यादा कमिटमेंट भी होता है। तो क्या आपका कमिटमेंट इतना है? या अपने आप दिल पे हाथ रख के बोलो कि क्या सचमुच इतना कमिटमेंट रखोगे कि स्ट्रीट लाइट के नीचे भी पढ़ सको? और बंदा जितना कमिटमेंट रख सकता है तो उसको तो भगवान भी नहीं रोक सकता ना, वो तो ये कमीशन क्या है। तो अपना समय बचाइए, फालतू के चक्कर में मत फंसिए, ठीक है। कोचिंग ज्वाइन करना ही पैसा खर्चा नहीं होता है, आपको और भी चीजों के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत गरीब है तो नौकरी कर लीजिए, उसके बाद तैयारी कर लीजिएगा। और अगर थोड़ा पैसा आपके पास अफोर्डेबिलिटी है आपकी, तो प्लीज टाइम को बचाइए, टाइम को बचाइए। टाइम ऐसी चीज है जो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। पैसा दिमाग कमा दो, इतनी लालच मत करो, और सही जगह पे इन्वेस्ट करो, चाहे किताब में हो चाहे गाइडेंस के अंदर हो। बस दोस्तों, इतना ही कहना चाहता था। इस वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।